हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब को भी देखिए, बिहार में सातवां चरण से रिलेटेड आपको अपडेट कराते हैं, समझे। जो टीचर का बहाली सातवां चरण का आने वाला है, देखिए तो 1 तारीख से लोग धरना दे रहे हैं पटना में, गर्दनी बाग में। तो उसी से आपका जो शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी, वही बोले हैं कि अगले माह शुरू होगी सातवें चरण की नियुक्ति, अगले माह यानी आपका सितम्बर में, समझे। लिखा हुआ है कि 6ठे चरण की प्रक्रिया इसी माह में होगी पूरा। तो पढ़ देते फिर समझाते हैं आपको कब तक ये चीज़ प्रक्रिया चलेगा, क्या क्या है, समझे। लिखा है अगले माह शुरू होगी सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया, विजय कुमार चौधरी। लिखा है शिक्षा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि अगले महीने सभी जिलों में रिक्तियों की सूची मांगकर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी, समझे। यानी इनका कहने का मतलब क्या था कि जो 6ठा चरण का जो विशेष काउंसलिंग द्वारा जो छूटा हुआ था उनका बहाली प्रक्रिया चल रहा है, और पूर्ण होने के बाद आपका क्या होगा, 7वां चरण का पाली। 7वां चरण देखिए कैसा आपका ऑनलाइन लेता है कि ऑफलाइन आपका फॉर्म फिलअप करवाएगा, क्या करवाएगा, इस पर आएगा अपडेट, क्योंकि नियमावली तो आएगा ही, तो वो चीज़ से क्या करेगा, ये अपडेट कराएगा, समझे। तो 7वां चरण जिनका सीटेट पास है, जो बीएड कर पास हो चुके हैं, समझे, तो वो लोग के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग के लिए 7वां चरण आ रहा है, जल्दी टीचर बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाए, समझे। तो 7वां चरण बहुत जल्दी आएगा, देखिए आपका सितंबर में आता है कि नहीं आता, समझे। थैंक यू।